हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्विंग। आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं कि कैसे हम एक मोबाइल पे कीबोर्ड, माउस, यूएसबी हब और ओटीजी का यूज़ करके इस पे टाइपिंग और काफ़ी सारा ऑफिस का काम कर सकते हैं। नॉर्मली बहुत सारे लोगों के पास कंप्यूटर नहीं होता है, लेकिन उनका टाइपिंग प्रैक्टिस या कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट गूगल डॉक्यूमेंट पे या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, जितने भी सारे एंड्रॉयड ऐप है अभी के टाइम में, तो कंप्यूटर का सभी काम ब्राउज़र में मोबाइल पे हो जाता है। तो जो लोग कंप्यूटर अफोर्ड नहीं कर सकते अभी, या कुछ टाइपिंग करना चाहते हैं मोबाइल पे, या मोबाइल पे गेमिंग करना चाहते हैं, सभी के लिए ये वीडियो है। इस मोबाइल पे हम ये एक वीवो का फ़ोन है, माइक्रो यूएसबी है, टाइप सी भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस पर हम आज एक माउस, एक कीबोर्ड, यूएसबी हब और ओटीजी का यूज़ करके आपको दिखाएंगे कैसे इसको यूज़ करना है। और इस सभी चीज़ों का अलग अलग रिव्यू वीडियो है मेरे चैनल पे, उसको भी जाके देख लीजिएगा। इस चैनल इस वीडियो में मैं इसको कनेक्ट करके इसको कैसे ऑपरेट करना है और साथ ही साथ इस पर कैसे बंगाली टाइप करना है वो भी बताऊँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, लेट्स गेट इन टू द वीडियो। तो सबसे पहले मैं तो आपको मोबाइल का जो सेटिंग है वो करके दिखाता हूँ। तो मोबाइल को आपको ओपन करना है, और आपका अगर टाइप सी है तो टाइप सी ओटीजी लेना है, अगर माइक्रो यूएसबी है तो माइक्रो यूएसबी ओटीजी लेना है, और फ़ोन के अंदर इसको लगा देना है अच्छे तरीके से। ओटीजी क्या है, मोबाइल का माइक्रो यूएसबी से यूएसबी इनपुट करने का काम करता है। इसका यूज़ एक्सटेंड करने के लिए हम इस हब का यूज़ करेंगे, एक पोर्ट से चार पोर्ट हो जाएगा। तो देखिए, और इसको कैसे इनेबल करना है, किसी किसी मोबाइल पर डायरेक्टली इनेबल हो जाता है और कुछ कुछ मॉडल पे नहीं होता है। तो आपको इनेबल करने के लिए क्या करना है, देखिए आपको सेटिंग में जाना है, सर्च करना है ओटीजी सर्च करना है। ओटीजी सर्च करने से आपको ये ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे ये ओटीजी को ऑन कर देना है। ओटीजी को ऑन करना है तो ओटीजी हमारा ऑन हो जाएगा। अभी इस पे आप कुछ भी यूएसबी डिवाइस कनेक्ट कर वो चालू हो जाएगा। तो चलिए मैं कीबोर्ड और माउस को सेटअप करके इसको कनेक्ट करके आपको बताता हूँ कैसे टाइपिंग करना है, कैसे यूज़ करना है। इस पे आप कोई भी यूएसबी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो पहले तो ओटीजी को लगा के ऑन करना है, उसके बाद यूएसबी हब को हमें लगा देना है। तो यहाँ पर हम यूएसबी हब को भी कनेक्ट कर देते हैं। यूएसबी हब को कनेक्ट करने के बाद कीबोर्ड को कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर चार पोर्ट मिलता है हमें हब पे, तो यहाँ पे हमने दो पोर्ट का यूज़ किया है, और भी दो पोर्ट अभी खाली है। तो वहाँ पे आप आपका यूएसबी या हार्ड डिस्क कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम मोबाइल को कर लेते हैं ऑन। यहाँ पे हम पिन डाल लेते हैं, यहाँ पे पिन खुल गया। यहाँ पे काफ़ी सारा फोर्स लैंडस्केप का ऐप आता है, उससे आप मोबाइल को परमानेंटली ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप करेंगे तो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कुछ सर्च कर लेते हैं, पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे इस सभी सॉफ्टवेयर में ये काम करेगा। तो हम हमारा चैनल सर्च करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप सर्च करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस है, कंप्यूटर नहीं है तो क्या हुआ, आप मोबाइल से ही कीबोर्ड माउस यूज़ करके कंप्यूटर का सभी काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम में सभी ऐप मोबाइल पर ही चलता है। MS Word, Google Words, देखिए इस तरीके से YouTube भी सर्च करते हैं, जैसे कि हम कंप्यूटर में करते हैं कुछ डेटा एनालिसिस, मॉडल नंबर है कुछ Excel 830 है। यहाँ पे आप स्टॉप भी कर सकते हैं, ये एक मिनट, और जैसे कंप्यूटर में आप सभी काम करते हैं इस तरीके से मोबाइल पे आप अपना सभी क्रोम ब्राउज़र पे जाके आप सभी काम कर सकते हैं। यहाँ पे ये बैक बटन दबाने से आपको बैक आता है इसका, और ये ओके क्लिक। तो चलिए हम इस पर क्रोम चला के आपको दिखाते हैं, क्रोम पे इस तरीके से आप सभी काम कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से क्रोम पे आके आप यहाँ पे क्रोम पे आप सर्च कर सकते हैं। सपोज आप सर्च कर रहे हैं यूएसबी हब, जैसे हम लैपटॉप में कुछ सर्च करते हैं उससे हम
यहाँ पे इमेज पे जाते हैं, तो जैसे हम लैपटॉप में कुछ सर्च करके देखते हैं, क्या कुछ डेटा एनालिसिस करते हैं या कुछ ढूंढते हैं, तो उस तरीके से आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। और इसको और भी अच्छी तरीके से करने के लिए ऐसे आप डेस्कटॉप मोड सेलेक्ट कर लेना, तो आपको एकदम कंप्यूटर का फील आएगा, कोई पता नहीं चलेगा कि आप मोबाइल पे सर्फिंग कर रहे हैं, एकदम कंप्यूटर में जैसा होता है उस तरीके से आप यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप टाइपिंग भी कर पाएंगे कोई भी, हमें यहाँ पर नोटपैड खोल लेता हूँ, मैसेजिंग ऐप, तो मैं आपको यहाँ पर टाइप करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे गूगल नोट, यहाँ पे हाँ गूगल नोट है, तो यहाँ पे मैं आपको टाइपिंग करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे न्यू नोट ओपन कर लिया है। चलिए यहाँ पे मैं कीबोर्ड और माउस से टाइपिंग करके दिखाता हूँ। इस तरीके से बहुत ही स्मूथ तरीके से आप टाइपिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और बंगाली टाइप करने के लिए आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, बस उससे ही आप इनेबल कर देंगे तो हो जाएगा। बीजॉय करके ये ऐप है, ये रहा ये ऐप, बीजॉय बांग्ला आपको दिखाता हूँ। बंगाली टाइप करने के लिए ये ऐप आप यूज़ कर सकते हैं, ये रहा। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको हो जाएगा, ये पे इस ऐप को इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद ओके दबाना है, तो अभी ये चालू हो चुका है। तो मैं आपको कहीं पे टाइप करके दिखाता हूँ, इस नोटपैड में ही दिखाता हूँ। देखिए तो यहाँ पे आपको कीबोर्ड को चेंज कर लेना है, यहाँ पे बीजॉय का, हाँ बीजॉय यहाँ पे। देखिए अभी इसको यहाँ से आपको बंगाली कर देना है बीजॉय को। यहाँ पे जो ये बिजॉय लिखा हुआ है यहाँ पे दबाना है। अभी देखिए हमारा बंगाली में इसको टाइप करना कैसे है। इसको मैं अभी सेटअप करके दिखाता हूँ। ये अदर लैंग्वेज में कैसे टाइप करना है उसका वीडियो मैं एक अलग लाऊंगा, अभी तो आप इसका परफॉर्मेंस देख चुके हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका प्राइस 240, ये 140, ये 140, टोटल आपको 250, यहाँ पे 240 और यहाँ पे 250 से 300-500 रुपये के अंदर आपका ये बन जाएगा। ये कंप्यूटर के लिए भी आप खरीद सकते हैं, सेम सिस्टम मोबाइल के लिए भी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका कमती वक्त निकाल के आपने मेरा वीडियो देखा, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई।